नमस्कार, मैं तनु बोध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आगरा में सम्यक समाज संघ के द्वारा दिनांक 10 फरवरी को डॉक्टर अंबेडकर पार्क 100 फुटा टेढ़ी बगिया पर भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय करतार सिंह भारती एडवोकेट जी द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारम्भ पूज्य भंते फ्रा एम नॉ इतिचेचु थाईलैंड जी द्वारा बुद्ध वंदना एवं पंचशील से किया गया, जहां संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाखन सिंह बौद्ध जी का भव्य अभिनंदन किया गया, जो कि 2 अप्रैल 2018 को SC/ST के बंद का मास्टरमाइंड बनाकर पैरों से विकलांग लाखन सिंह जी को संगीन धाराओं में ग्वालियर जेल में बंद किया गया था, उनकी रिहाई पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन कंचन सिंह भारती ने किया। आगरा से प्राइम न्यूज 24 से सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, ये किस उद्देश्य से रखा गया है, इससे क्या आप संदेश देना चाहती हैं? मेरा नाम ललिता बौद्ध है, सम्यक समाज जिला अध्यक्ष ललिता बौद्ध। जो रखा है हमने रखा है 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ है उसके मास्टर माइंड उनके स्वागत के लिए हमारे महापुरुष ने और इस बीच में मुझे जब लाखन सिंह के बारे में तो मैं उनसे ग्वालियर जेल में भी गया मिलने के लिए, और आज मुझे हर्ष व्यक्त करता हूँ। वो आज बड़ी कठिन परिस्थिति में निकल कर आज यहाँ बाबा साहब के बीच आए हैं, और हम सब लोग और भव्य स्वागत करना चाहते हैं। और ऐसे जो कि पैरों से विकलांग है और अपना कर्मठ रूप से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं अपनी संस्था के लिए और अपने संगठनों के लिए उन्हें भरपूर करने का आह्वान करते हैं। ऐसी इच्छा यही मेरा उद्देश्य है। नाम बताएं। मेरा नाम अध्यक्ष संबोध है, मैं हमारी माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब ने हाँ सर, आप बताएं। ये आपका नाम सुन प्रकाश सिंह भारतीय एडवोकेट हूँ मैं। जो कार्यक्रम आज रखा गया है, किस उद्देश्य पर रखा गया है? आज टेढ़ी बगिया में सम्यक समाज संघ की तरफ से बाबा साहब तथा भगवान बुद्ध के धर्म को लेकर एक बहुत ही अच्छा और विशाल सम्मेलन आयोजित किया है। ये ग्रामीण अंचल है, यहाँ के लोग बाबा साहब के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, उनके संकल्प देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अब हमें कुरीतियों से दूर रहना है। जो सामाजिक विसंगतियाँ लोग समाज में आ गई हैं, इसकी वजह से हम समाज के संगठन से, समाज की शिक्षा से और संघ से दूर हैं, उन सबको हटाने के लिए ये संकल्प देने के लिए यहाँ पर आए हैं। सम्यक समाज के उन लोगों ने जिन्होंने 2 अप्रैल के समय संघर्ष करके अपनी बात कहने का प्रयास किया था और जिनको सरकार ने गलत धाराओं में बंद कर दिया था, ऐसे लोगों को भी सम्मान किया जाएगा यहाँ। और इसी कार्यक्रम को लेकर के यहाँ के आसपास के लोग, यहाँ के विद्वान जन और बाहर के लोग भी यहाँ पर आए हैं, और हम सब लोग मिलकर आज ये संकल्प करेंगे कि हम लोग बाबा साहब सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ना है, समाज को आगे ले जाना है, समाज की कुरीतियों को दूर करना है और धर्म के अनुसार, संघ के अनुसार हम लोग काम करेंगे।